नमस्कार, विवेक गुप्ता आपका स्वागत है। और ये वीडियो ना मैं हर साल बनाता हूँ, काउंसलिंग के दौरान मैं कई लोगों को समझाता हूँ और फिर कोई असर होता नहीं है। तो देखिए, अब रिजर्वेशंस के बारे में आप सबकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो है वो है। और एज ए काउंसलर मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि एक अच्छा काउंसलर वही होता है जो अपने पर्सनल बायसेस को हटा के आपको सलाह देता है, राइट। क्योंकि जब मैं ये ऐसा वीडियो बनाता हूँ ना, तो मेरे को कई बार लोग कमेंट्स में डालते हैं कि सर आप बड़ी तरफदारी करो रिजर्वेशन की। मैं कहा भाई, ना मैं खिलाफ़ में हूँ ना मैं तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो तो बतानी है ना। तो ये फैक्ट है जी, उन ओबीसी को लेके जो कि नेशनल ओबीसी नहीं है, दिल्ली में ओबीसी है। क्योंकि आप में से कई लोग हमको फ़ोन करने वाले हैं, फ़ोन करेंगे, कुछ कर भी चुके हैं, क्योंकि अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब स्टार्ट होगी तो आप भुगतोगे, तो शायद ये वीडियो अभी सुन के आप एक्शन ले सकते हो एक महीना पहले। तो देखिए, ये बहुत कॉमन चीज़ें, कई जातियाँ ऐसी हैं जो नेशनली ओबीसी नहीं है पर उन्हें स्टेट्स में ओबीसी का दर्जा मिला है, राइट। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से आदि दिक्कत है, ओबीसी में बहुत दिक्कत है, खासकर दिल्ली में। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बहुत क्लाइंट मेरे पास आते हैं, हर साल ही आते हैं, जो कि जाट कम्युनिटी हो गई। अब देखिए, समस्या क्या है, जो नीट फॉर्म आपने भरा था वो भरा जाता है, जो उसमें आप कैटेगरी डालते हो वो डालते हो नेशनल के हिसाब से, ये रूल है। तो इन सब लोगों ने, भाई चाहे आप दिल्ली ओबीसी हो, चाहे आप नेशनल ओबीसी नहीं हो, यूपी के हो, ये चीज़ तो हर एक के साथ लागू है। तो आपने नीट का फॉर्म भरा, उसमें आप जनरल कैटेगरी के रह गए, ठीक है। और जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और जनरली ये जो फैक्ट है ये सरकारी कॉलेजों के लिए है, तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो फिर आप अपने स्टेट का फॉर्म भरोगे। वो जो फॉर्म होता है, इट इज़ काइंड ऑफ ए फ्रेश फॉर्म। उस फ्रेश फॉर्म में आपसे कैटेगरी दोबारा पूछी जाती है, फिर आप अपना आपको ओबीसी दिखा देते हो। लेकिन वो जो एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करता है, जैसे हम ऑल इंडिया कोटा कहते हैं डे टू डे भाषा में, या एमसीसी काउंसलिंग कहते हैं, वो अपना सारा का सारा डेटा नीट फॉर्म से उठाता है और वो एडिटेबल नहीं है। दैट मीन्स नीट में अगर आप जर्नल हो तो एटलीस्ट एमसीसी काउंसलिंग में आप जर्नल हो, विच मीन्स आप अगर स्टेट के ओबीसी भी हो तो टेक्निकली आप ओबीसी हो, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के लिए सरकारी कॉलेज में आप ओबीसी नहीं होंगे, उसमें आप जनरल की तरह जाओगे। और ऑल इंडिया कोटा से ओबीसी सीट उसी को मिलेगी जो नेशनल ओबीसी था, ये भी एक इशू है। क्योंकि अगर आप अपने स्टेट में ओबीसी कराए कर दिए गए थे तो फिर आपके पास हर ओबीसी होना चाहिए। पर चलो, ये छोटा सा इशू है, क्योंकि मैं कहूँ ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें टोटल हैं, उसका अगर हम आज रफली मान के चले 60,000 सरकारी सीटें हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में 9,000 आती हैं, तो उसके हिसाब से ओबीसी का 27% हो भी गया तो 2500 सीटें हैं जो आपका नुकसान हो रहा है, विच इज़ अगेन अ फेयर नंबर बट नॉट दैट ग्रेट। बट उससे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है, खासकर जो रेलिवेंट नुकसान है वो है दिल्ली के लोगों का। तो दिल्ली के अंदर 8 सरकारी कॉलेज है एम्स के अलावा, एम्स तो वैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, 8 में से 5 कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी के अंडर होती है। लेडी हार्डिंग, मौलाना आजाद, यूसीएमएस, वर्धमान महावीर और राम मनोहर लोहिया। अब वो चूँकि 5 कॉलेज का जो 85% सीटें हैं जो कि दिल्ली डोमिसाइल वाले को मिलती है, वो एमसीसी काउंसलिंग में भी दिल्ली डोमिसाइल वाले को मिलती है, तो अभी एमसीसी के फॉर्म में स्पेशली पूछा जाता है कि डू यू हैव दिल्ली कोटा ऑन आउट। ये क्वेश्चन किसी और स्टेट के बारे में नहीं पूछा जाता, बिकॉज एमसीसी वाले सिर्फ ऑल इंडिया कोटा ही काउंसलिंग करते हैं, एम्स, जिपमर, बीएचयू भी करते हैं जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, और सिर्फ दिल्ली के 5 कॉलेज का 85% का करते हैं। क्योंकि ये पाँचों इंस्टीट्यूट बेसिकली सेंट्रली फंडेड है, बहुत सालों से चलती आ रही है प्रथा। लेकिन अब दिक्कत ये हो जाती है ना कि एमसीसी फॉर्म में तो डेटा चेंज नहीं होगा, तो दिल्ली के 8 में से एसीएमएस वैसे ना के बराबर है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए मैं खुद दिल्ली का हूँ, तो खाली बाबा अम्बेडकर और एनडीएमसी जिसमें सबसे कम सीटें हैं वैसे भी, उसमें ही दिल्ली ओबीसी को ओबीसी का फ़ायदा होता है। इन 5 कॉलेज की 85% सीटों के लिए आपको जनरल कैटेगरी की तरह बिहेव करना पड़ता है। और हर बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उनको पता चलता है, फिर वो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अभी आपके पास शायद एक महीने का समय है, जो भी ऐसा बंदा है जो दिल्ली ओबीसी में फॉल करता है, आपके 620 630 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगर आप एमसीसी में आप ओबीसी का फॉर्म डाल सकें तो आपको इन 5 कॉलेज की सीट मिल सकती है, वरना नहीं मिलेंगी। अभी आपके पास समय है, कोर्ट में पिटीशन डालिए। मैं हर साल लोगों को कहता हूँ कि भाई फिर दिल्ली के अंदर भी आपको ओबीसी मिलनी चाहिए ना, जब आप ओबीसी हुई दिल्ली में उन 85% सीटों के लिए। तो देख लीजिए, समय है आपके पास, कर लीजिए। हैव अ नाइस डे। उसी तरह की सटीक जानकारी काउंसलिंग के लिए चाहिए तो 9643362320 हमारा फ़ोन नंबर है, कॉल कीजिए। यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है।
बट मैं बाबा समझाता हूँ कि डोंट टॉक फ्री, तो आपको फी देनी पड़ेगी और फीस लेके आपसे बात करेंगे, फिर आपको पूरा गाइड करेंगे और उसके हिसाब से आपका फाइनल फी डिसाइड होगा फर्स्ट कॉल के बाद। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।